जोहार झारखंड, आज खुटरा में फाइनल मैच है और कोलकाता और पुरुलिया के बीच मैच है। आप देख सकते हैं ग्राउंड में भीड़ किस तरह से, लगभग 20,000 लोगों की भीड़ खुटरा में आ गई है। सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में तो उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन फाइनल देखने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं। चतरा से, कोडरमा से, धनबाद से, गिरिडीह से, हर जिला से यहाँ पे आ रहे हैं लोग। और अभी कुछ ही देर में फाइनल मैच जो है वो शुरू होने वाला है। एक टीम जो है, कोलकाता की टीम जो है, पीली जर्सी में वो तैयारी करने के लिए उतर गई है मैदान में, और दूसरी टीम जो है पुरुलिया की टीम, वो भी तैयार हो गई है कुछ ही देर में। बस अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं बस स्टार्ट हो गया और लोगों का भीड़, पूरा स्टेडियम जो है वो ग्रीन पार्क भर चुका है। खुटरा का जो मैदान है वो लाजवाब है। लोग जो है यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। पिछला मैच हमने देखा था किस तरह से जो टाई ब्रेकर में कोलकाता जीत के फाइनल में आई थी, और उसके बाद जो है अब देखिए छत पे भी लोग हैं, दोनों छत पे जो यहाँ पे आसपास छत है वहां भी लोग हैं, और जो कप है वहां पे आप देख सकते हैं स्टेडियम के बाहर वो सज गया है, सज गया है। और अब बहुत जल्दी कुछ ही देर में बस मैच यहाँ पे शुरू होने वाला है, और दोनों जो है सेमीफाइनल में जीतने वाले टीम जो है और कोच यहाँ पे है, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे आखिर फाइनल में कैसी तैयारी है। तो क्या है फाइनल में, क्या तैयारी है? तैयारी तो अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। आगे का टीम कैसा है, उन लोगों का स्ट्रेटेजी आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? स्ट्रेटेजी अच्छा है। अगले बार बारिश हुआ था, मुझे ये है महसूस है मेरा टीम के ऊपर, मेरे को ये है जो आज रिजल्ट से ही जीतेंगे। अच्छा, पूरा चांस है ही जीतेंगे? 100% रिजल्ट से ही होगा। सेमीफाइनल में तो बहुत आप लोग का ये हो गया था, एक हो गया था, मतलब बारिश के वजह से, मतलब कंट्रोल नहीं ले पा रहा था, इसलिए बारिश की वजह से टीम जो अगला टीम जो था वो सेफ खेल रहा था वो गेम, मतलब वो सोच रहा था उसको बचना था जो खाली टाई ब्रेकर पे लेके जाए, ये लोग को गोल ना करने दे, इसीलिए वो डिसेफ भी ज्यादा कर रहा था, मार रहा था। वो लोग को देखे ना आप, 7 से 8 येलो कार्ड लिया है। बिल्कुल, आप देखिए कुछ ही देर में बस मैच शुरू होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता की टीम और जो पुरुलिया की टीम जो है वो दोनों मैदान पर उतर रही है, और यहीं से जो लोग हैं अब उतरेंगे, अब मैच का शुरू होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से जो माहौल है स्टेडियम ग्रीन पार्क में, चारों तरफ जो है लोग भर गए हैं, और हम लोग जाएंगे ऑडियंस से ये पूछेंगे क्या है माहौल, कौन जीतेगा, क्या हारेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है माहौल, क्या है आज का माहौल, फाइनल मैच है आज। जी, भीड़ बहुत ज्यादा आज नजर आ रहा है, सब लोग वेट कर रहे थे कि फाइनल कब होगा। आज समझ लीजिए कल से कंटिन्यूअस हम फोन रिसीव कर रहे हैं सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि आज फाइनल मैच है। अच्छा, काफी अच्छा क्राउड है, जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा क्राउड आया है यहाँ पे। टोटल कितना मैच हुआ यहाँ पे, टोटल कितना मैच हुआ, कितना दिन का टूर्नामेंट? टोटल 14 मैचेस हो चुका है, ये 15th मैच है अभी का। कितना देर में शुरू होगा फाइनल? अब हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, बस शुरू होने वाला है। तो देखिए बस फाइनल मैच जो है वो शुरू होने वाला है, और लोगों से जानेंगे कौन सा टीम जो है वो जीतेगा। ये जो है कोलकाता की टीम अब यहाँ पे सज गई है ग्राउंड में उतरने के लिए, अब जो है वो ग्राउंड में अंदर जाने के लिए देखिए कोलकाता की टीम जो है वो रेडी है, और यहाँ से पुरुलिया की टीम, दोनों की टीम जो है वो रेडी है। और क्या लगता है, इधर आइए जरा, हाँ कौन जीतेगा, क्या लगता है? कोलकाता जीतेगा, कोलकाता कोलकाता जीतेगा, कलकत्ता, 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 कलकत्ता में अच्छा प्लेयर कौन है? मैन प्लेयर वो जो आया हुआ है उधर से, बंगाल से, बंगाल से जो आया हुआ है, नाइजीरिया से जो आया हुआ है, नाइजीरिया वाले प्लेयर। हाँ, खेला पिछला मैच देखे थे? हाँ हाँ, प्लेंटी से। हाँ, नाइजीरिया वाला जीतेगा पूरा, कोलकाता जीतेगा कि पुरुलिया जीतेगा? पुरुलिया जीतेगा पूरा, पुरुलिया जीतेगा। हाँ, देखिए पुरुलिया का भी सपोर्टर यहाँ पे है। क्या लगता है आज का मैच में क्या हुआ? आज का मैच बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया भी लगेगा देखने के लिए। अब फाइनल यहाँ इतना भीड़ हो गया है जो पूरा दूर दूर से लोग आ गया है, तो बढ़िया ना है मेरा, हम लोग का गांव का विकास हो रहा है, कटकमसाड़ी प्रखंड का विकास हो रहा है। हाँ, देख देख के कुछ आदमी लोग सीखेगा यहाँ पर। चलिए, तो देख देख के आदमी लोग यहाँ पे सीखेगा। क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? जीतेगा, दोनों टीम तो अच्छा है, मगर देखिए अभी कौन जीतेगा, वो खेल होएगा तभी मालूम गिरेगा। पिछला मैच देखे थे सेमीफाइनल? पिछला मैच नहीं देखे, नहीं देख पाए थे, तो आप बता नहीं पाइएगा। यहाँ कोई है जो सेमीफाइनल देखा था? सेमीफाइनल में कौन खेला था अच्छा यहाँ, जो कोलकाता? जबलपुर, कोलकाता, कोलकाता बहुत अच्छा टीम खेली, बहुत अच्छा टीम, बहुत अच्छा टीम, जीत जाएगा, जीत जाएगा, फाइनल जीत जाएगा, कोलकाता जीतेगा, कोलकाता, कोलकाता के सपोर्टर लोग यहाँ पे आ गए हैं। कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। देखिए ऊपर भी यहाँ पे है बांस, जहाँ स्टेडियम में लाइट लगा हुआ था वहाँ भी लोग बैठ गए हैं। हाँ, क्या लगता है आज का मैच में? आज तो लग तो रहा है कि आज दोनों तो बंगाल का टीम है, लेकिन क्या बोलते हैं, देखने में दोनों टीम का कोई कम नहीं है एक दूसरे से।
और दर्शक जो हिसाब से है यहाँ पे, जिस हिसाब से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, बहुत ही मजा आने वाला है दर्शकों को। बहुत देखिए स्टेडियम जो है पूरा भर गया है, ग्राउंड से लोग तैयार हैं अब उतरने के लिए, चारों तरफ जो है पूरा स्टेडियम भर गया है। आइए हम लोग दिखाते हैं आपको जो क्राउड, आप देखिए क्राउड देखिए किस तरह से, एक दो तीन चार पांच लेयर में है लोग, और पांचों लेयर में जो है वो लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, हर तरफ से लोग आए हैं। और देखिए क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? ये अभी खेल होने के बाद ही समझ में आएगा कि कौन जीतेगा। ये खेल है, दोनों पक्ष में हाँ या ना नहीं कर सकते, खेल देखने के बाद बताएंगे। अभी किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पिछले मैच में? अभी पुलिया का ठीक ठाक है। पुलिया क्या बोल रहे हैं? पुलिया जीतेगा भाई, हमने जीतेगा, हमारा वही पुलिया का पूरा। कलकत्ता जीतेगा, कलकत्ता कोटा कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद पुरलिया, जिंदाबाद पुरलिया, जिंदाबाद। तो देखिए जो भीड़ हो गया है यहाँ पे क्राउड का, लगातार जबरदस्त भीड़ है, लोग दूर दूर से आए हैं। क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? कोलकाता जीतेगा। कोलकाता जीतेगा जी हाँ। आप क्या बोलते हैं? कोलकाता, कोलकाता श्योर है एकदम? श्योर श्योर। देखिए लोग श्योर है यहाँ, हम लोग एक छोर में आ गए हैं और आप चारों छोर आपको हम लोग पूरा ग्राउंड का कोना कोना दिखाएंगे। जो भाई साहब देखिए हेलमेट लेके आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर एमपी। एमपी से आप मैच देखने आ गए हैं? मतलब वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं, अच्छा। तो देखिए जबलपुर के आदमी भी यहाँ पे हैं। और ये देखिए हाँ क्या है बताइए, क्या लगता है आज का मैच? फॉलो करते हैं आपको, इधर ध्यान नहीं देते। आज का मैच कौन जीतेगा? अभी अभी कुछ भी शेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा कौन खेल रहा है आज? कलकत्ता। कोलकाता हाँ। देखिए ऊपर लोग चढ़ के देख रहे हैं बास में, मतलब क्रेज इतना है कुटरा में फुटबॉल का कि लोग ऊपर चढ़ के नीचे चढ़ के यहाँ पे देख रहे हैं। और जो मैच है अभी यहाँ पे शुरू होने वाला है, ओपनिंग सेरेमनी हो गया है। आ रहे हैं तुरंत आ रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे देखिए, ओपनिंग मतलब उद्घाटन जो होता है फाइनल मैच का, वो जो होता है वो जोश के साथ हो रहा है। नेतागण आए हुए हैं यहाँ पे और बड़े बड़े लोग आए हुए हैं इस बड़े फाइनल का उद्घाटन करने के लिए। आप एक बार देख सकते हैं कि ग्राउंड का एक एक छप्पा छप्पा यहाँ पे भरा हुआ है, 20,000 से ज्यादा लोग हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। और छत पे वहाँ पे देखिए वो टीला पे, वहाँ उसको घूम करके मैं कहना बोलूँगी, पानी टंकी में देखिए किस तरह से, हाँ थोड़ा पानी टंकी में देखिए किस तरह से लोग चढ़ के वेट कर रहे हैं उत्सुकता के साथ इस फाइनल को देखने के लिए। और अभी देखिए जो फाइनल मैच में है चीफ गेस्ट जो अतिथि आए हैं वो उनको देखिए, हाँ ये नेताजी हैं और यहाँ पे देखिए हाथ मिला रहे हैं अभी लोगों से। और पहला मैच जो फाइनल का यहाँ पे लाजवाब जबरदस्त देखने के लिए, यहाँ पे चीफ गेस्ट से जो है प्लेयर यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कोई भी बड़ा मैच शुरू होने से पहले ये एक प्रक्रिया है जो होती है और वही प्रक्रिया जो है अभी चल रही है। आप देख सकते हैं खेल प्रेमी हजारीबाग से यहाँ पे आए हैं और हाँ खेल प्रेमी जो है यहाँ हजारीबाग से आए हैं और किस तरह से यहाँ पे जो चल रहा है माहौल वो आप देख सकते हैं। पीली जर्सी में जो टीम है वो कोलकाता की टीम है और जो नीली जर्सी में जो टीम है वो पुरुलिया की टीम है और दोनों ही टीम सेमीफाइनल में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आई है। अब कुछ ही देर में जो है यहाँ पे मैच शुरू हो जाएगा और दोनों जो प्लेयर हैं वो पूरा जोश लगाएंगे क्या होगा मैच में ये देखने के लिए। दर्शक जो हैं वो दूर दूर से आए हैं और माहौल जो है खुटरा में वो जबरदस्त है। हाँ सर क्या है आज का जो फाइनल मैच, इतना भीड़ है? बहुत ही अद्भुत नजारा है और खुटरा के जितने भाई हमारे मासूम भाई और इतना ज्यादा टीम खुटरा के नौजवान साथी है सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं जो इतना अच्छा इन्होंने आयोजन किया है। क्योंकि जब तक लोग खेलेंगे नहीं, कहा गया है खेलेगा तो हमारा बढ़ेगा हजारीबाग, तो ये तो बाहर के बंगाल के भी कलकत्ता के टीम को पुरुलिया के टीम को लोग ले आए हैं, ये बहुत ही अच्छा काम इन लोगों ने किया है। फोर्थ सीजन है ये, हमारा शुभकामना होगा किसी तरह का आयोजन हजारीबाग में और भी जगहों पे हो और लोग इस तरह से इतने अच्छे प्रेम व्यवहार में सद्भावना के साथ लोगों को मैच का आनंद ले। आप भी आनंद लीजिए मैच का। आप बताइए कैसा चल रहा है, आप हमेशा यहीं पे रहे हैं कुटरा में, लगातार देख रहे हैं शुरू से आपको, किस तरह का माहौल है यहाँ पे, कैसा मैच हुआ है यहाँ पे? कुटरा ये जो जगह है ये स्पोर्ट्स प्रेमी जगह रहा है और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलकर स्टेट और इंडिया लेवल पे भी लोग खेले हैं और अभी भी लोग खेल रहे हैं। और इस गांव में हमको यहां पे जो है स्टेडियम बनाने का मुख्य लक्ष्य है, ताकि इससे हमारा जिला का विकास हो और स्पोर्ट्स क्लब बने और इससे अच्छे से अच्छे खिलाड़ी निकल कर को इंडिया को पूरा रिप्रेजेंट करे, यही हमारा बधाई आपको। और जरूर स्टेडियम बने खुटरा में यहाँ पे, और यहाँ पे आप भी बताइए क्या है, क्या चल रहा है? सबसे पहले जो खुटरा का जो टीम के जो ऑर्गेनाइज किए हैं, पूरा खुटरा का जो ऑर्गेनाइजर टीम है, बधाई देता हूँ मैं उनको। ठीक है, अब मैच स्टार्ट। ग्रामीण परिवेश में जो यहाँ किया जा रहा है बहुत अच्छा है और आने वाले भविष्य में खुटरा का नाम देश रोशन होगा। थैंक यू। तो ये देखिए अब मैच का कुछ ही क्षण है यहाँ पे, एहसान सर है आप भी मैच के प्रेमी है लगता है, शुरू से आपको देख रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं शुरू से खेल प्रेमी रहा हूँ और खुटरा में हमेशा ऐसा आयोजन होता रहता है
और फुटबॉल मैच वाकई में यहाँ का बहुत अच्छा रहता है, बहुत उत्साह लोगों में है, उम्मीद है कि आज अच्छा खेल होगा। तो यहाँ पे नेशनल एंथम अभी शुरू होने वाला है कुछ ही देर में, तो लोग यहाँ पे खड़े होंगे। मेरे साथ मुरारी सर भी हैं, कोच यहाँ पे आ गए हैं। सर कुटरा में इतना भीड़ हो गया है, शानदार भीड़ है। और मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने ऐसा सफल आयोजन यहाँ पे किया। बहुत दूर से लोग आए, अभी तो रास्ता में आ रहे थे खाली बाइक, बादम गिद्दी सी से भी खिलाड़ी लोग आए हुए हैं। और सही में यहाँ के आयोजन समिति को बहुत जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है कि ऐसा भीड़ आज तक हम लोग नहीं देखे हजारीबाग। बिल्कुल, देखिए ऐसा भीड़ जैसे मुरारी सर बता रहे हैं, बहुत पुराने फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ऐसा भीड़ आज तक हजारीबाग में नहीं देखा गया। और खुटरा में अब नेशनल एंथम होगा इसके बाद। हाँ तो अभी नेशनल एंथम होने जा रहा है, कोई भी फाइनल मैच से पहले नेशनल एंथम होता है। और इधर ले, इधर नेशनल एंथम होगा और नेशनल एंथम में लोग खड़े हो गए हैं, उसके बाद फिर मैच जो है उसके बाद शुरू होगा। हाँ क्या कर रहा है? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो नेशनल एंथम खत्म हो चुका है, अब कुछ ही देर में बस जो है मैच शुरू होगा। यहाँ पे अतिथि है, टीम है, वो सारे खड़े हो गए हैं। और आपको बता दूं कि नीली जर्सी में जो टीम है वो पुरुलिया की टीम है और आज जो है कुटरा की टीम है। रेफरी जो है आज गुड्डू है, आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे रेफरी जो है, अब टॉस होने वाला है। और यहाँ शरीफुल्ला गुड्डू जो हजारीबाग के बहुत अच्छे रेफरी हैं, और यहाँ फुटबॉल मैच स्टार्टिंग में जो शूट मार के किया जा रहा है, आप देखिए किस तरह से फाइनल मैच में किक मारा जा रहा है गोलकीपर को। पीछे आओ थोड़ा। हाँ, और ये देखिए गोलकीपर ने सेव कर लिया है, स्टार्टिंग मैच जो है वो किक मार के शुरू हो गया। दोनों गोलकीपर को एक एक जो है नेताजी जो है वो थोड़ा शूट ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से चीफ गेस्ट आए हैं यहाँ पे, मुन्ना सिंह जी जो कांग्रेस के नेता है, और इतना बड़ा जो है भीड़ को देखने का जो मौका है वही जबरदस्त है, लाजवाब है। ये देखिए ये शॉट मारा और गोलकीपर ने रोक लिया। तो इसी तरह से अब जो है लगातार चीफ गेस्ट जो है वो दिखाया जा रहा है। हाँ, क्या लगता है पुरुलिया की टीम जीतेगा कि हारेगा? इंशाल्लाह जीतने का चांस तो है पुरुलिया का, चांस है पूरा। अब देखिए गेम का पार्ट है जीत और हार, एक टीम को जीतना और एक टीम को हारना है। तो देखिए यहाँ पे मुखिया जी जो है किक मार रहे हैं और बस मैच बिल्कुल अब शुरू होने वाला है। कुछ ही क्षण टॉस होगा और मैच शुरू होगा यहाँ पे। तो ये जो माहौल है, मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार 360 डिग्री फ्रेम ले और मेरे साथ साथ घूमे, इधर आइए। हाँ, इधर इधर ऐसे। हाँ, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, हम जैसे तो घूमेंगे वैसे वैसे घूमो सामने। तो हम जैसे तो घूमेंगे, कैमरामैन को बोलूंगा कि दिखाए और चारों तरफ क्या है माहौल वो देखें। तो ये देखिए चारों तरफ का ग्राउंड जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। अभी मैं हट जाऊंगा, सिर्फ भीड़ दिखाऊंगा। अभी देखिए मेरे पीछे जो भीड़ आप देख सकते हैं, एक जगह भी खाली नहीं मिलेगा। जहां भी देखेंगे वो आदमी ही आदमी है, और वो लोग मैच देखने के लिए आए हैं और पूरे दूर दूर से आए हैं। चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिद्दी सी से आ गए। गिद्दी सी जाने में कितना दूर लगता है, बड़का गांव
वहां से और आगे 30 किलोमीटर गिद्दी सी वहां से लोग मैच देखने आए। सोचिए कितना क्रेज है खुटरा में, छोटा सा गांव खुटरा में क्या क्रेज है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा मेरे बिना कैमरा को पैन करके दिखाएं किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पे, आप जो लाजवाब भीड़ है, यही भीड़ जिसकी वजह से इतना पॉपुलर है पॉपुलर यही है इसी कारण से, क्योंकि चारों तरफ जो है स्टेडियम के वो खचाखच भरा हुआ है और एक नहीं तीन नहीं चार पांच लेयर के फुटबॉल टीम जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब जो है जो लोग थे चीफ गेस्ट में जो स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजर में थे वो लोग अब जा रहे हैं। अब दोनों टीम फुटबॉल यहाँ पे आ गए, दोनों टीम जो है टॉस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे टॉस जो हो रहा है अब देखते हैं थोड़ा सा टॉस। ये देखिए टॉस यहाँ पे हो रहा है, दोनों टीम जो है ये टॉस कराने के लिए रेडी है। देखिए अब टॉस, बस ये देखिए टॉस उछाला जा रहा है अब यहाँ पे, और जो टॉस जीतेंगे वो साइड डिसाइड करेंगे कौन सा साइड लेना है। ये देखिए टॉस हो चुका है, कोलकाता ने कोलकाता ने जो है ये टॉस ले लिया है। तो फाइनल जो है वो 35 मिनट्स का होगा जैसा रेफरी बता रहे हैं, 35 मिनट्स का फाइनल होगा, बीच में 10 मिनट का ब्रेक होगा। चार रेफरी आप हमको देख सकते हैं यहाँ पे, कैप्टन दोनों टीम के हैं, कोलकाता के पीली जर्सी में और नीली जर्सी में जो है वो पुरुलिया के कैप्टन है। अब बस कुछ ही क्षण में मैच शुरू होने वाला है यहाँ पे। कोलकाता की टीम जो है किस साइड पे रह रही है, कोलकाता की टीम किधर रहेगी, उधर कोलकाता की टीम जो है इधर से शुरू करेगी गेम के दाहिनी तरफ से, और फिर जो पुरुलिया की टीम जो है इधर रहेगी। पहला मैच जो पहला स्ट्राइक है वो करेंगे, हम लोग वहां पे थे कोना में चलते हैं, हाँ लोगों से बात करेंगे और जाने हैं कि आखिर टॉस हो गया है मैच हो गया है, टॉस हो गया है मैच हो गया है, और हम लोग बस कुछ ही देर में देखेंगे कि क्या है माहौल। और ये जो इतना बड़ा मैच इतना बड़ा फाइनल जो है वो शुरू होने वाला है कोलकाता और पुरुलिया के बीच में, यही प्लेयर है सेमीफाइनल में जिन्होंने रोका था मैच, देख सकते हैं आप सेमीफाइनल में इन्होंने रोका था और यही मैच जिताया था कोलकाता को, और आज उसी के बदौलत पहुंचे हुए हैं ये लोग सेमीफाइनल में। टाई ब्रेकर में जिताया था मैच, वो लाजवाब था। अब जो है यहाँ से क्राउड जो है आप देख सकते हैं किस तरह से क्या है माहौल, मैच शुरू होने में बस कुछ ही देर है बचा हुआ है। क्या लगता है अब कौन जीतेगा, कलकत्ता जीतेगा, कलकत्ता आपको क्या लगता है, कलकत्ता जीतेगा, कलकत्ता अच्छा खेल रहा है, कलकत्ता अच्छा खेल रहा है, ये कलकत्ता का सपोर्टर है। क्या क्या बोल रहे हैं कोलकाता की पुरुलिया भैया, जो भी जीते ये क्राउड से पता चल रहा है कि फुटबॉल यहाँ जमने वाला है, मजा आ रहा है ना, बारिश होगा तब भी लोग बैठे रहेंगे। बिल्कुल देखिए लोग बोल रहे हैं क्राउड ऐसा है कि मैच में जो है वो मजा आने वाला है, और इसी यही कारण है कि खुटरा में जो लोग हैं दूर दूर से आ गए हैं और यहाँ खिलाड़ी फुटबॉलर लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सब भाग गए हैं क्या। आप बताइएगा ना, आप बताइए थोड़ा सा, तो आपसे भी जानकारी लेने चाहते हैं। लग रहा है कोलकाता अच्छा खेल रहा है, हाँ तो वही जीतेगा, उसी पे उनका पूरा फूल है, फूल कोलकाता में लगाया हुआ है यहाँ मॉल। कलकत्ता जीतेगा, नहीं 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 पुरुलिया जीतेगा, पुरुलिया हम पुरुलिया का सपोर्ट है, कोलकाता का कभी नहीं सपोर्ट है, कोलकाता का सभी जीतेगा, पुरुलिया जीतेगा, वो पुरुलिया का सपोर्टर यहाँ कोलकाता लाई कहीं ना हो जाए यहाँ पे आपस में देखिए, और यहाँ पे देखिए पूरा गोल पोस्ट के पीछे भी लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, बॉल अच्छे से रोकिएगा आप लोग ठीक है। हाँ तो देखिए गोल पोस्ट के पीछे भी लोग, इतना भीड़ हो गया है फुटबॉल के मैदान में, क्या लगता है आपको। बहुत ही अच्छा मैच की वजह से हम दर्शक पहुंचे हुए, मेरा ही हाँ। और ये ग्राउंड का जनाब मैनेजमेंट है मेरा ही सर आपके अंदर में हाँ। तो देखिए जो माहौल है अब कुछ ही क्षण में अब स्टार्ट होगा क्या। एक मिनट, अरे आपका टीम तो बाहर हो गया, राजू इलेवन खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है हाँ। सब हाँ। पार्टी बदल दिया है सब हाँ। अच्छा देखिए राजू इलेवन भी इसमें खेल रहा है, कौन जीतेगा क्या लगता है, ये तो नहीं बता सकते, जिसका खेल अच्छा होगा वही जीतेगा। इसके पहले वाला मैच देखे थे, देखे थे कलकत्ता ही को उम्मीद है, कलकत्ता का उम्मीद है, देखिए कलकत्ता का उम्मीद लग रहा है हाँ। क्या लगता है, हम आपका बहुत बड़ा फैन है, क्या लगता है कौन जीतेगा मैच, कलकत्ता जीतेगा, कलकत्ता। देखिए बूटा लेके पब्लिक आ गए यहाँ, पूरा तैयारी के साथ आए हैं, लगता है कि मैच लूट लूट देर तक चलता, क्या लगता है आज का मैच कलकत्ता जीतेगा, कलकत्ता जीतेगा। बस कुछ ही क्षण में जो है मैच स्टार्ट होने वाला है, और आप देख सकते हैं कौन जीतेगा, क्या लगता है आज का मैच, कलकत्ता जीतेगा, कलकत्ता जीतेगा, कलकत्ता जीतेगा। देखिए कलकत्ता के सपोर्टर जो बहुत आ रहे हैं, हम घूम के आ रहे हैं ठीक है, तो देखिए कलकत्ता का जो सपोर्टर है वो पूरा यहाँ पे घूम रहे हैं, और माहौल का जो है मैच का जो है वो मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैच देखते हैं बिल्कुल दूर दूर तक है यहाँ
देखिए उधर छत पे भी लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे वहाँ छत पे भी आ गए हैं। मतलब पूरा का पूरा खुटरा जो यहाँ पे उठ के आ ही गया है, पूरा हजारीबाग लग रहा है कि यहाँ पहुँच गया। क्या लगता है चाचा कौन जीतेगा आज का मैच? अब देखिए जिसका खेल अच्छा रहेगा। इसके पहले मैच देखे थे? पहले वाला और अच्छा खेला था पहले वाला मैच में? देखिए दोनों खिलाड़ी जो है खेलते आ रहा है ना, अब दोनों खेलने के बाद जो है अभी मुकाबला में आया, ये भविष्य का बात बताना तो बहुत मुश्किल है आदमी को, क्योंकि किसके साथ क्या होगा वो तो कहना। और ये बताइए इसके पहले खुटरा में इतना भीड़ होता था? नहीं अभी इसके पहले नहीं इतना भीड़ नहीं होता। आज बहुत भीड़ है फाइनल देखने के लिए। देखिए आज बहुत भीड़ है खुटरा में यहाँ पे, और जो माहौल है कुछ ही क्षण में बस स्टार्ट होने वाला है। क्या लगता है आज के मैच? पुरलिया जीतेगा, परफेक्ट पुरलिया जीतेगा, एकदम परफेक्ट। कितनों बंगाल का, लेकिन पुरलिया ही जीतेगा, एकदम परफेक्ट। घाना से आया हुआ है, घाना नाइजीरिया से जो आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सौ सोनार के एक लोहार का जो है। क्या लगता है वो कौन जीतेगा आज? कलकत्ता जीतेगा, कलकत्ता जीतेगा, पुरलिया का सपोर्टर है। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, पर पुरलिया वाली टीम जीत जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल जीत जाएगा। पुरलिया का टीम है पूरा माहौल, सब कलकत्ता जीतेगा, खेलेगा उसी का सपोर्ट। देखिए यहाँ पे पूरा भीड़ हो गया, जगह नहीं है, दूर से आ रहे मैच देखने, बहुत दूर से तो आए हुए हैं। कैसा है माहौल? इतना भीड़? बहुत भीड़ है, लगभग 10,000 के करीब लोग, 10,000 लोग है, ऐसा लग रहा है 20,000 है यहाँ। दस है, 10,000 लोग है। हम लोग भी मैच देखने आए बहुत दूर से, और कोलकाता हम लोग आए चाक मोड़ से, चाक मोड़ से आ गए मैच देखने। क्या बात, और जीतेगा कोलकाता, कोलकाता जीतेगा, कोलकाता जीतेगा, कोलकाता जीतेगा बता रहे हैं लोग दूर दूर से आए हैं। फुटबॉल जो है तो आपका कलकत्ता खेला होबे जीतबे, खेला होबे, खेला होबे यहाँ पे चल रहा है। आप देखिए दूर दूर से लोग आए हैं लगातार मैच देखने के लिए आए हैं। क्या लगता है कलकत्ता जीतेगा? पुरलिया जीतेगा सर, पुरलिया जीतेगा सर, पुरलिया जीतेगा सर, पुरलिया। देखिए पुरलिया के सपोर्टर है, पुरलिया के सपोर्टर है, कलकत्ता को हारना चाहिए, कलकत्ता को हारना चाहिए। देखिए कलकत्ता को हराना चाह रहे हैं, क्या लगता है कोलकाता जीत जाएगा? कोलकाता जीतेगा, हाँ यस, क्या बात है, कोलकाता जीतेगा। देखिए हर लोगों का सपोर्टर यहाँ पे है। हाँ जो जीते दोनों बंगाली जा रहा है, पर दोनों बंगाल जा रहा है। मैच कैसा होगा? मैच क्या लगता है? तो लग रहा है झकास, मैच जबरदस्त, अच्छा जबरदस्त मैच रोमांचक है। तो देखिए पहुंचे हैं कुर्सी लेके, मैच का आज का क्या लग रहा है माहौल? लोगों को तो अच्छा लग रहा है मैच देखने में। अब भीड़ इतना जो हो गया है, कम भीड़ है ज्यादा भीड़ है? नहीं भीड़ तो यहाँ सबसे बहुत सारा, ज्यादा बहुत ज्यादा है, यहाँ भीड़ है, ऐतिहासिक भीड़ है। देखिए लोग बोल रहे हैं जो इतना भीड़ खुटरा में नहीं होता, यहाँ पे लोग पॉपकॉर्न भी लेके आ गए हैं। देखिए किस तरह से पूरा मजा ले रहे हैं मैच का, पूरा मैच का मजा। आज का मैच कोलकाता जीतेगा लग रहा है देखने से। देखिए कन्फर्म है, कन्फर्म है, पहले से कन्फर्म है। फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग कन्फर्म है। इतना भीड़ हो गया है यहाँ खुटरा में, क्या बोलते हैं? अच्छा है, खुश नसीबी है कुटरा की इतना भीड़ आया यहाँ पे। और इसके पहले कभी हुआ है इतना भीड़? बहुत ज्यादा बहुत हुआ है। तीसरा चौथा, यहाँ का इतिहास अच्छा है, इतिहास अच्छा है मेरे गांव का, और सभी गांव वाले सहयोग भी देते हैं लोगों को, और हम लोग यहाँ के प्लेयर का कोई तरह का तकलीफ नहीं होता, हम लोग इंतजाम भी करते हैं खाने पीने का भी, और आने जाने की भी अगर फियर भाड़ा जो जरूरत पड़ता है तो उनको भी देते हैं। देखिए पूरा प्लेयर लोग का ख्याल रखा जाता है। हाँ सिक्योरिटी साहब से बोलिए, फाइन फाइन बोलिए बोलिए, बोल दिए थे तो फोटो ले पाए, लाइव है, हम लोग फोटो नहीं ले सकते। तो देखिए किस तरह से जो है दूर दूर से लोग आए हैं देखने के लिए मैच यहाँ पे, और खुटरा और जो मैच है खुटरा का और पुरलिया का, वो आप बिहार से आए हैं? क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से आ गए हैं? पटना से आए हैं। माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे, नेचर भी, कोलंबस हॉस्टल से लाए हैं इसको, नेचर भी बहुत अच्छा है, और इस तरह से फेसबुक में देखते हैं चैनल का नाम चेंज हो रहा है, तो हमारे देश में फुटबॉल का भी और ज्यादा ये सब होगा। आप हाथ टूट गया लेकिन मैच देखने आ गए हैं? जी हाँ, फुटबॉल प्रेमी है पूरा, गिरिडीह से आ गए, ऐसा क्रेजी है, बहुत दूर तक जम्मू प्रखंड से आए हम, जम्मू से आए हम लोग, ये हमारा सहयोगी गोविंदपुर से आए, धनबाद से, गोविंदपुर से आ गए, गोविंदपुर से धनबाद से आए, फुटबॉल का क्रेज,
कम से कम 150 किलोमीटर से आए। हाँ जीतेगा आज, क्या लगता है? आज जीतेगा, कलकत्ता जीतेगा, कलकत्ता जीतेगा, गोविंदपुर है ना। तो देखिए जो मैच है, हाँ तो क्या लगता है अब आपका टीम है कि चला गया? हमारी टीम तो चल गया, लेकिन हम लोग अभी दोनों के सपोर्टर में, जो जीतेगा उसके तरफ से है। मैच अच्छा होगा लग रहा है? मैच अच्छा होगा, हम लोग फुटबॉलर है इसलिए हम लोग जो अच्छा खेलेगा उसका सपोर्ट, बिल्कुल जो अच्छा खेलेगा उसका सपोर्ट। अब भीड़ इतना हो गया है यहाँ पे, मेरा फ्रैक्चर कर गया था, पैर फ्रैक्चर कर गया, लेकिन डॉक्टर का भी सलाह नहीं मैं माना और बैंडेज को कटवा दिया। अच्छा, मैच देखने के लिए, मैच के इतने बड़े प्रेमी हैं कि मैच देखने के लिए बैंडेज कटवा दिया गया है, बैंडेज कटवा के यहाँ पे आ गए। और अभी मैच शुरू हो गया है, देखिए किस तरह से पुरुलिया का मैच और इसका मैच जो है वो शुरू हो गया है। अब हाफ टाइम में आएंगे, हाफ टाइम में आप मैच दिखाएंगे, अब हाफ टाइम में आएंगे, मैच दिखाएंगे, मैच देखिए। अब मैच शुरू हो चुका है, पीली जर्सी में जो है वो कोलकाता की टीम है और नीली जर्सी में जो है पुरुलिया की टीम है, और दोनों का जो है वो माहौल जबरदस्त है। आप देखिए रूम कम और दानी संसारी की तरफ से अगर पुलिया का कोई खिलाड़ी गोल मारता है उधर तो उसके लिए 1000 रुपया वो आ रहे हैं इनाम। ये देखिए जो क्राउड है यहाँ पे, लोग किनारे कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट का टीम है वो बहुत जबरदस्त यहाँ पे जो है। कैसे चल रहा है तैयारी? कैसे? बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत अच्छा कोशिश किया जा रहा है कि अच्छा से अच्छा हो, बस इसी में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए पूरा मैनेजमेंट जो है आज के मैच को सफल कराने में लगा हुआ है और लोग दूर दूर से आए हैं मैच देखने के लिए। यहाँ से दिखाया जाए, यहाँ से थोड़ा सा क्राउड दिखाया जाए किस तरह से। देखिए ऊपर जो है वहाँ पे ऊपर जो है टावर में लोग चढ़ गए हैं मैच देखने के लिए। देखिए इतना क्रेज है खुटरा में कि लोग टावर में मैच चढ़ गए हैं देखने के लिए, और पूरा पूरा दीवार, पूरा जो घर है वो भर गया है। बिहार शरीफ से आए हैं? क्या बात है, झारखंड के भाई, झारखंड 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 जीतेगा मैच, पुरुलिया जीतेगा, पुरुलिया पुरुलिया का सपोर्टर लोग बहुत है यहाँ पे। क्या लगता है चाचा कौन मैच जीतेगा? ये कौन अलही पर जानता है, अभी कहीं बात आ सकते हैं। सही बोले हैं, लेकिन गेम कैसा होगा आज? आज देखने के बाद ही पता चलेगा। क्या लगता है पुरुलिया मैच जीतेगा? पुरुलिया मैच जीतेगा, पुरुलिया पुरुलिया। तो देखिए अब पहला अटैक जो है पुरुलिया कर चुका है यहाँ पे, लेकिन सेव भी अच्छा किया गया है कोलकाता की तरफ से, और लगातार जो है हम लोग मैच थोड़ी देर में दिखाएंगे, बस एक दो लोगों से और लेंगे यहाँ पे। क्या लगता है आज के फाइनल मैच, इतना भीड़ हो गया है? ये बहुत ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही माने कंपटीशन का मैच है, और उम्मीद करते हैं कि दोनों टीम बहुत शानदार खेलेगी। किसी को तो ये नहीं कह सकते कि गेम किसके हक में होगा, लेकिन खेल के मैदान में उतरे हुए खिलाड़ियों का मुझे अंदाजा लग रहा है कि दोनों टीम बहुत ही कसमकस खेल का प्रदर्शन कर रही है। देखिए किस तरह से जो यहाँ का पूरा भीड़ जो है यहाँ पे आ गया, मैं कैमरामैन को बोलूंगा पीछे घूम के दिखाएं जो भीड़ यहाँ पे, किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पे आ गया है लगातार यहाँ दूर। क्या लगता है कौन जीतेगा मैच आज का? देखिए अभी तो स्टार्ट हुआ मैच, अभी स्टार्ट हुआ, देखने के बाद सपोर्टर है आप? अच्छा नहीं चुने, अभी नहीं सुने, टीम नहीं चुने। पुराने फुटबॉलर उधर दिखाया जाए, बार बार गोल नहीं हुआ, गोल होगा हम लोग दिखाएंगे। क्या लगता है आज आप फुटबॉलर पुराने इधर दिखाया जाए, इतना भीड़ में आप खेले हैं मैच पहले? जी नहीं, नहीं खेले अभी नहीं। क्या आज का मैच क्या लगता है? पुरुलिया 11 जीत जाएगा, श्योर है। कोई लगाएगा तो 5000 लगाने के लिए हम तैयार है, पुरुलिया की तरफ से 5000 पूरा ओपन चैलेंज। देखिए पुरुलिया कभी भी गोल हो सकता है, रही थी लेकिन डिफेंस अभी भी पुरुलिया के हाथ में बॉल है, लेकिन अभी भी डिफेंस कलकत्ता का अच्छा है। हाँ कम करो, हाँ क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? कलकत्ता कलकत्ता का भी सपोर्टर है, और पूरा जो पूरा खुटरा जो है आज वो पूरा स्टेडियम जो है वो भर गया है लोगों से, और ये गोल हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये अच्छा डिफेंस कर रहे हैं, अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ आ गया, आ गया। तो अभी गोल का नहीं हुआ, इतना अच्छा मौका बना, बोलिए। बहुत अच्छा लेकर आया बॉल, लेकिन एक से बीट करके सोचा दूसरा को मार दे, लेकिन वो हाई मार दिया है, मार दिया। आप देखिए यहाँ पे गोलकीपर जो है गोल लेने के लिए है, यहाँ कलकत्ता के ऊपर पुरुलिया ने बहुत अच्छा अटैक किया था, गोल हो सकता था, लेकिन अब जो है पुरुलिया लॉन्ग किक मार रहे हैं यहाँ पे। कलकत्ता जो है डिफेंस खेलती है, अच्छा खेलती है, कलकत्ता जो है वो डिफेंस खेलती है, अच्छा खेल रही है। खड़े होकर दिखाओ ना, नीचे बैठ के दिखाओ तो पता नहीं चलेगा।
पहले से अच्छा जो है पुरुलिया की टीम खेल रही है, कलकत्ता से काफी अच्छा। अभी 5-10 मिनट का जो खेल हुआ है उसमें पुरुलिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है जो नीली जर्सी में है। और तो माफ कीजिएगा बीच बीच में जो है कनेक्शन नेटवर्क की वजह से कट जा रहा है, लेकिन हम लोग जुड़े रहेंगे, आपको पूरा मैच दिखाएंगे, नेटवर्क लाने की कोशिश करेंगे। अब कहीं कहीं नेटवर्क कट जा रहा है लेकिन आप लोग जुड़े रहिए। और अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ है, मैच का 10 मिनट लगभग हो चुका है और पुरुलिया की टीम जो है वो नीली जर्सी में अभी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है और कोलकाता की टीम जो है वो येलो जर्सी में, पीली जर्सी में रोकने के लिए तैयार है। अभी देखिए फ्री किक ले रही है पुरुलिया और पुरुलिया अच्छा अटैक बना रही है, छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, छोटा पास खेलते हैं, बहुत अच्छा तालमेल के साथ खेलते हैं। और देखिए ये शूट मार रहे हैं गोल पोस्ट में और ये अच्छा शूट मार रहा है, यहाँ पे देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये देखिए किस तरह से यहाँ पे गोलकीपर के पास, गोलकीपर ने अच्छा सेव किया, नहीं तो गोल हो जाता। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड के हालात क्या हैं। अभी लोग यहाँ पे दूर दूर से आए हैं मैच देखने के लिए और मैच का आनंद ले रहे हैं। क्या लग रहा है? अच्छा खेल रहा है अभी। क्या सर? अच्छा तो पुरुलिया खेला, पुरुलिया गोल मारेगा, गोल मारेगा, पुरुलिया गोल मारेगा अभी। ये देखिए कोलकाता का टीम जो है उसने एक गोल मार दिया है और अभी पुरुलिया जो है 1-0 से पीछे हो गई है। अभी अभी गोल हुआ है और कोलकाता ने एक गोल मार दिया है, ये देख सकते हैं आप। लगातार पुरुलिया अटैक कर रही थी लेकिन अभी जो है कोलकाता की टीम ने जबरदस्त गोल मार दिया और आपको बता दूं कि स्कोर जो है वो 1-0 कोलकाता पीली जर्सी में 1 और पुरुलिया 0। तो माहौल अभी ऐसा बन गया है कोलकाता की तरफ से, जो लोग कह रहे थे कोलकाता जीतेगी कोलकाता जीतेगी, उसने एक गोल कर दिया है पीली जर्सी की टीम जो है कोलकाता, उसने एक गोल मार दिया है। अब क्या बोलते हैं, कोलकाता मार दिया है गोल, अब क्या कीजिए। दोनों टीम ने बहुत कोशिश की है ज्यादातर, लेकिन पुरुलिया कोशिश की लेकिन कोलकाता जीतेगा। क्या जीतेगा? कितना गोल मारेगा? देखिए लगातार जो है कलकत्ता अच्छा खेलने का प्रदर्शन दे रही है, सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया और एक गोल जो है वो मार दिया है, लेकिन अब पुरुलिया जो है अटैक करने की कोशिश कर रही है। चलिए आइए ये देखिए आप व्यू देख सकते हैं। क्या कोलकाता आप जीतेगी? जी कोलकाता जीतेगी, जी कोलकाता जीतेगी। देखिए कभी कुछ भी हो सकता है, खेल है, पुरुलिया बहुत जल्दी इक्वल करने वाला है, पुरुलिया जल्दी इक्वल करने वाला है। अभी देखिए लगातार जो है अटैक कोलकाता के पास है, बॉल छोटा छोटा वो खेल रहे हैं, पास बना रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और अच्छा खेल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक गोल मारने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, देखिए दूसरा गोल हो सकता है और लगातार डी लाइन के अंदर कोलकाता जो है ले जा रहे हैं बॉल को और दूसरा गोल करने का फिराक में है। क्या लगता है दूसरा गोल भी कोलकाता मारेगी क्या? जी बिल्कुल मार सकती है, अभी बहुत बाकी है समय, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या बोल रहे हैं? कलकत्ता जीतेगी, बाल मिथुन जैसा रखे तो देखिए यहाँ पे बड़े बड़े कोलकाता के फैन जो है यहाँ पे है और जिताने के लिए आए हैं। पुरुलिया फिर से अटैक कर रही है और अभी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हाँ यहाँ से देखो अब गेम में और मजा आया क्योंकि एक गोल जो है वो हो चुका है। हाँ एक गोल जो है वो हो चुका है और पुरुलिया 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 जीते, एक गोल से हार रही है। देखिए एक गोल से हारने के बाद भी लोगों को कॉन्फिडेंस है कि पुरुलिया मार दे। गेम कैसा हो रहा है अभी? तो बहुत सुपर हो रहा है, सुपर हो रहा है जी। कोलकाता कितना गोल मारेगी? कलकत्ता कम से कम 3 का आशा है, 3 आशा है। देखिए 3 गोल, क्या गेम एकदम झकास झकास। पुरुलिया गोल मार पाएगा कि नहीं? मारेगा मारेगा मारेगा, पुरुलिया मारेगा, वसूल कर देगा, एकदम वसूल कर देगा, लोग यहाँ बोल रहे हैं। अब देखिए कोलकाता जो है लंबा लंबा शॉट खेल रही है, अब जो है बॉल को अपने पास रखने की कोशिश कर रही है कोलकाता और देखिए फिर से अटैक कर रही है, तीसरा अटैक हो गया है 5 मिनट के अंदर। कोलकाता की टीम जो है वो लगातार, ये देखिए तीसरा गोल हो सकता है,
लेकिन यहाँ पे बच गया गोल। एक गोल मारने के बाद कलकत्ता की टीम जो है वो पूरा चढ़ गई है मैच में, क्या लगता है एक गोल मारने के बाद टीम चढ़ गया कलकत्ता का? हाँ तो मेहनत और कोशिश करते रहना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। पुरलिया गोल मार पाएगा क्या? बिल्कुल, खेल तो बढ़िया रहा है लेकिन मौका मिलेगा मार देगा, चार गोल मारेगा, देखते हैं देखते हैं। देखिए मैच जो है अब ऐसा हो गया है कि 1-0 से कलकत्ता जीत रही है, तो क्या कलकत्ता और गोल मारेगी क्या? कलकत्ता इंशाल्लाह जीत जाएगी, जीत जाएगी। क्या लगता है? कम सांडे आरा भुसाही से देखने आए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पे देखने आए हैं। कलकत्ता के लिए हम लोग खेल से पहले बता दिए थे कि ई साइड वाला ये बोल ठूस दे, और इंशाल्लाह फिर से वापस आ रही है गेम में, फिर से वापस आ रही है, बहुत बहुत जल्दी आएगी। ये देखिए पुरुलिया की टीम जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रही है लेकिन बॉल जो है वो लगातार कोलकाता के पास रह रहा है। क्या लगता है? कोलकाता कोलकाता सपोर्टर कितना गोल मारे कोलकाता? लेकिन यहाँ रेफरी ने जो है ऑफ साइड दे दिया है, यहाँ पे ऑफ साइड में कोई गोल नहीं हो सकता है। अच्छा बॉल बनाया था लेकिन यहाँ ऑफ साइड दे दिया रेफरी के द्वारा, कॉर्नर नहीं ऑफ साइड है, ऑफ साइड। कैमरामैन को बोलूंगा मैं इधर दिखाएं, थोड़ा लोगों से बात करेंगे। हाँ क्या क्या लगता है, क्या लगता है कौन जीतेगा? बस खिलाड़ी लोग जीतेंगे, खिलाड़ी लोग जीतेंगे। तो देखिए माहौल जो है खुटरा में गजब है, कोलकाता 1-0 मार चुकी है और यहाँ फिर क्या लगता है आज का मैच? आज का मैच में राजू 11 जीत रहा है। राजू 11 कहाँ खेल रहा है? राजू 11 खेल रहा है, राजू 11 जीतेगा, राजू 11 राजा रुलिया नहीं, राजू 11 राजू 11 का 4 साल से उसने ख्वाब रह गया है, जब पैसे ले जब कुछ ले, आज कौन जीतेगा? ये देखिए जो कोलकाता के पुरुलिया की टीम जो है वो लगातार अटैक कर रही है लेकिन गोल अभी तक नहीं हुआ है, क्या लगता है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अरे जीतेगा वही जीतेगा कलकत्ता, कितना गोल मारेगा? अरे 4 गोल तो पक्का मारेगा। देखिए 1-0 से जो है कोलकाता जो है वो आगे चल रही है, 5 गोल कोलकाता बराबर होगा, फिर लोग मारेगा गोल, बराबर होगा, बराबर होगा, फिर मारेगा गोल, गोल मारेगा फिर। तो देखिए अभी पुरुलिया की टीम जो है वो गोल मारने के, क्या चाचा कौन जीतेगा, क्या लगता है? जो भी जीते, जो भी जीते, चाचा उतना मैच नहीं देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो वीर पार्क है आज भर गया है लोगों से, क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? आज का मैच तो कलकत्ता ही जीतेगा लेकिन पुरुलिया बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहा है, पुरुलिया चुका है, पुरुलिया 3 बार अटैक कर चुका है, गोल वसूल करके हो सकता है कोई भी विनर हो सकता है गोल मार के। ये देखिए फिर से ले जा रहे हैं पुरुलिया, हो सकता है, ये देखिए बहुत अच्छा पास दिया है यहाँ पे लेकिन डिफेंस जो है कलकत्ता का वो बहुत अच्छा था, रोक लिया है। क्या लगता है मैच कैसा चल रहा है अभी? अभी मैच तो अच्छा चल रहा है, फास्ट चल रहा है मैच, बहुत गेम फास्ट हो रहा है, काफी भीड़ भी है और 1-0 से भी AEW स्पोर्ट कोलकाता अभी आगे चल रहा है, लेकिन पुरुलिया अभी कम नहीं है, अभी दोनों अभी बराबरी कर सकता है। और तो देखिए बराबरी कर सकता है, आइए जल्दी आइए। हाँ तो मैच में बहुत टेंशन चल रहा है अभी, अभी टेंशन चलेगा क्योंकि इतना क्राउड है और इतना बड़ा अमाउंट भी और फाइनल मैच है तो टेंशन तो चलेगा ही। देखिए मैच का जो माहौल है आप देख सकते हैं, क्या लगता है आज का मैच क्या लगता है कौन जीतेगा? कलकत्ता जीतेगा। कितना गोल मारेगा? दो गोल मारेगा। तो यहाँ पे एक सॉरी ये देखिए कोलकाता के पास फिर बॉल है, कुछ भी कर सकते हैं कोलकाता, बहुत अच्छा यहाँ पे खेल रहे हैं कोलकाता, लगातार जो है अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, पुरुलिया का डिफेंस भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा क्लियर और बॉल जो है लग गया है, बाहर निकले बाहर। उधर दिखाओ ये देखिए बॉल बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत डेंजरस हो सकता है।
और ये अच्छा थोड़ा कोलकाता जो है ये लगातार जो है अटैक कर रही है और ये एक और मौका बन सकता है कोलकाता के लिए। ये नहीं गोल हुआ, बॉल के ऊपर चला गया। हाँ बताइए क्या मैच, बहुत ही रोमांचक मैच है और ऐसा मैच मुझे नहीं लगता कि इस झारखंड में होता है और यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं कैसा है, बहुत ही लाजवाब मैच चल रहा है। बहुत बढ़िया, तो देखिए अब क्राउड को संभालना यहाँ देखिए घंटे से करना पड़ रहा है। हाँ क्या बोलते हैं आज कोलकाता और इसमें कौन जीतेगा? आज कोलकाता और बीच में मेरा टीम तो है पुरलिया। हाँ। पुरलिया से एक मंगाया, एक एकेडमी से लड़का मंगाया है। हाँ। फिर दोस्त नाम के, उसका अंदर इतना कला है। हाँ। 17 नंबर है, अब देखिए उसका कैसा गेम है, अब देखिए देख के बताइए। और 17 नंबर एकदम पूरा गेम चेंज कर सकता है उसके अंदर, बहुत उसके अंदर है ना, वो 11 को काट सकता है, इतना पावर है उसके अंदर। और पुरलिया देखिए अभी मैच में कुछ भी हो सकता है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा दिखाए किस तरह से मैच चल रहा है। कोलकाता जो है वो लगातार अटैक पे अटैक किए जा रही है। पुरुलिया की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है और डिफेंस भी अच्छा कर रही है। तो अब जो है 1-0 से जो है कोलकाता जो है वो जीत रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है मैच में, क्योंकि लगातार जो है पुरुलिया की टीम देखिए अटैक कर रही है और यहाँ पे गोल तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी गोल नहीं कर पाई है। पुरुलिया की टीम जो है वो लगातार जो है अटैक पे अटैक किए जा रही है। यहाँ पे देखिए माइक उगले खड़े हुए, क्या लगता है इतना भीड़ को कैसे संभाल रहे हैं? क्या करे, संभालना पड़ता है। कौन जीतेगा आज के मैच? कलकत्ता जीत रहा है। देखिए यहाँ पे जो है लोग कोलकाता के ज्यादा सपोर्टर है। अभी कोलकाता के पास बॉल भी है और अच्छा खेल रही है, वन टच पास खेल रही है, छोटा छोटा पास खेल रही है। जल्दी आज हटो, लाइन से बाहर। अब जो है देखिए पुरुलिया टीम लेके आगे बढ़ रही है, गोल मारने की तलाश में है, लेकिन डिफेंस जो है कोलकाता का अच्छा है। यहाँ कैमरामैन फोकस करे, जल्दी वहां हटे। ये देखिए साइड से लेके बढ़ रही है कोलकाता, कभी भी यहाँ पे गोल हो सकता है। बहुत अच्छा, जबरदस्त शॉट मारा था यहाँ पे, लेकिन गोलकीपर ने बहुत अच्छा सेव कर लिया, गोल हो सकता था यहाँ पे। ये एक और कॉर्नर किक मिल गया है यहाँ पे कोलकाता को, और ये अच्छा मौका था, गोल मारने वाला बहुत अच्छा मौका था। कोलकाता अगर गोल मारती तो 2 गोल हो जाता। हाँ चलो आगे चलो, वहाँ पे चलो। हाँ देखो ना, ये देखिए अभी कॉर्नर किक मिला है और कॉर्नर किक जो है वो बहुत खतरनाक होता है, इसमें भी गोल होने का चांस होता है। अभी बहुत अच्छा शॉट मारा था कोलकाता की टीम ने और कभी भी गोल हो सकता था, लेकिन गोल बच गया यहाँ पे। और देखिए कोलकाता की टीम जो है कॉर्नर किक लेने के लिए तैयार है, अच्छा कॉर्नर किक मारा है और यहाँ पे देखिए हेड के लिए दिया, लेकिन क्लियर कर दिया हेड से पुरुलिया की टीम ने। कोलकाता 1-0 से आगे चल रही है, अच्छा टैकल किया यहाँ पे, बहुत अच्छा टैकल किया, अच्छा पास। कोलकाता की टीम लगातार छोटा छोटा पास खेल रही है, बहुत अच्छा पास खेल रही है और मैच में जो है, आनंद लेने का वो अलग ही आनंद है आ रहा है, क्योंकि जो मैच का तालमेल चल रहा है वो जबरदस्त चल रहा है। कोलकाता जो है लगातार अटैक कर रही है, अटैक पे अटैक किए जा रही है। पुरुलिया भी पूरा कोशिश कर रही है कि एक गोल जो मार दिया गया है उसको उतारा जाए किसी तरह से, लेकिन उस कोशिश में नाकाम है। और कोलकाता की सबसे खास बात यह है कि शॉर्ट पास खेल रहे हैं और बीच में मिडफील्ड में शॉर्ट पास खेल के फिर विंग से अटैक कर रहे हैं और वो जो है पुरुलिया के लिए काफी घातक हो जा रहा है। तो ये एक अच्छा तालमेल के साथ कोलकाता की टीम खेल रही है, लेकिन पुरुलिया की टीम अब अटैक करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। ये देखिए फिर से कोलकाता की टीम जो है वो बहुत अच्छा पासिंग खेल रही है, जहाँ खिला रही है वहाँ उसके खिलाड़ी हैं और यहाँ राइट विंग से बहुत अच्छे जो 10 नंबर के खिलाड़ी हैं वो बढ़ते हैं आगे और बॉल कंट्रोल कर रहे हैं, पास दे रहे हैं, सब कुछ उनके इसमें है। और ये अच्छा यहाँ पे अच्छा रेफरी का मुजाहरा भी दिखा रहे हैं आप। ये देखिए बहुत राइट विंग से जो निकल रहे हैं बहुत अच्छा निकलते हैं और पास दे रहे हैं तो अपने खिलाड़ी के पास दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा खेल का मुजाहरा जो है ये कोलकाता की टीम दिखा रही है। काफी अच्छा खेल खेल रही है कोलकाता यहाँ पे और जिसका कारण है, जिसका रीजन है कि 1-0 से वो लोग आगे हैं। फर्स्ट हाफ का ये मैच चल रहा है और फर्स्ट हाफ में अभी कोलकाता की टीम जो है वो 1-0 से आगे चल रही है। अभी एक प्लेयर देखिए इंजर्ड हो गए, जब तक इंजर्ड हुए हैं आइए हम लोग क्राउड से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। हाँ क्या क्या लग रहा है अभी, क्या है माहौल? अभी वाला गोल जो बचाया गोलकीपर, कैसा बचाया गोल? बहुत तगड़ा बचाया, बहुत तगड़ा
ऊपर बचा लिया। कोलकाता कितना गोल मारेगी? चार दो। देखिए लोग बोल रहे हैं कोलकाता गोल मारेगा। पुरलिया गोल एक गोल मारेगा। अब क्या मैच टाई ब्रेकर होगा? पेनल्टी नहीं होगा, मैदान ही जीत। और ये फिर से कोलकाता जो है लगातार गोल मारने के डी लाइन तक पहुंच गई थी, लेकिन गोलकीपर ने सेव कर लिया। यहाँ आउट जो है ये फिर से मिल गया है कोलकाता को, और ये डेंजरस हो सकता है। हाँ यहाँ पे इधर अंदर रहो, ये डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे आउट है, यहाँ पे कोलकाता को मिला है, यहाँ से जो गोल बन सकता है। आप देख सकते हैं भीड़ कितना है आज के मैदान में। यही प्लेयर है जिसने सेमीफाइनल जिताया था, लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब मौका मिला है पुरुलिया को आगे बढ़ने का, लेकिन वो बॉल गंवा दे रहे हैं, शॉर्ट पास नहीं खेल पा रहे हैं। 10 नंबर जो है पुरुलिया की टीम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इक्विलाइजर की तलाश में है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। 8 नंबर जो है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, गोल का माहौल बन सकता है यहाँ पे। अच्छा बॉल खिलाया है यहाँ पे, लेकिन डिफेंस जो है कलकत्ता का वो लाजवाब है। यही डिफेंस जो है कलकत्ता का जो है वो लाजवाब है, और शॉर्ट पास, लॉन्ग पास और डिफेंस कलकत्ता का अच्छा है यहाँ पे, जिसके वजह से वो एक गोल से अभी लीड कर रहे हैं। हाँ इधर देखिए एक जो क्राउड है यहाँ, इधर दिखाइए यहाँ क्या है हाँ, ये क्या है? पैसा उसे लगा दिया 50 रुपया दूसरा आदमी काजी का पैसा लगाया भैया। हम कलकत्ता जीत गया इसी खुशी में लगा रहे, 50 के 100 रुपए भाव दे रहे हैं, 40,000 50,000 रुपए जितना लगाना है सब हम बोल रहे हैं लगा लीजिए। ये बॉल यहाँ पे आ गया है, और कुछ भी हो सकता है अभी, गोल की तरफ यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कलकत्ता में। यहाँ पैसा लग गया है, देखिए आप किस तरह से यहाँ पे जो प्लेयर है पैसा लगा रहे हैं। 1.5 लाख रुपया जितना भी खाना है खा लीजिए भैया, कलकत्ता हार जाएगा तो हम पैसा दे देंगे, नगद में दे देंगे, कोई उधार बाकी नहीं है। ये देखिए पुरुलिया की टीम जो है लगातार अटैक कर रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कलकत्ता हार जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे? हम 1.5 लाख रुपए लेकर आए हैं कैश ऑनलाइन, जिसको लगाना है लगा लीजिए, हार जाएंगे यहाँ पर देके जाएंगे, उधार बाकी कोई टेंशन नहीं। देखिए इतना फैन है यहाँ पे कोलकाता के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, और ये देखिए लगातार कोलकाता जो है अटैक कर रही है। दूसरा गोल जो है वो कभी भी मार सकती है। हाँ ये देखिए अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पे कोलकाता के लिए, और लगातार अच्छा पास खेल रही है कोलकाता, कभी भी गोल हो सकता है यहाँ पे। ये देखिए नहीं, लेकिन डिफेंस अच्छा है, क्या लगता है? मैनेजमेंट को बुलाया जा। तो देखिए आप जो मैच में क्या लगता है, कोलकाता ही जीतेगा? जीत जाएगा। कोलकाता अच्छा खेल रहा है लगातार, मैच कैसा हो रहा है? रोमांचक मैच, अच्छा हो रहा है, रोमांचक हो रहा है एकदम। कोलकाता स्ट्राइक पे, गोलकीपर कैसा है यहाँ? गोलकीपर जो रोका अभी, गोलकीपर अच्छा है, ये खास करके पुरलिया का काफी अच्छा खेल रहा है दोनों में, लेकिन जीत हार तो एक को होकर ही रहेगा। सही बोल रहे हैं यहाँ पे लोग। और मैच जो अभी तक है, जो मजा आ रहा है मैच में, वो अलग ही मजा आ रहा है मैच में। आ रहा है मजा, मैच में कुछ भी हो सकता है। इतना जो हम लोग पीछे से देख रहे हैं, आगे लोग बैठने बोलिए इधर से। तो क्या लगता है, पुराने खिलाड़ी है, इधर देखिए अभी तक का मैच जो है कैसा चल रहा है? मैच तभी तक ठीक है, बट पुरुलिया को जीतना चाहिए। लेकिन गोल अच्छा मारा कोलकाता, गोल अच्छा मारा, और ये गोल अच्छा रोक दिया, ये वाला अभी ये अच्छा सेव किया, अच्छा सेव किया। और कोलकाता का तीनों नाइजीरियन बेकार है, कोई काम नहीं खेल पा रहा, सही से कोई ऐसा काम कर रहा। पिछला मैच वही बताया था, फाइनल जीता तो माइंड गेम खेल गया। रेड कार्ड मिलना चाहिए था, आज वैसा होगा तो क्या होगा? रेड कार्ड मिलना चाहिए उसको, रेड कार्ड मिलना चाहिए बिल्कुल। उस दिन उसको गेम से बाहर करना चाहिए था। अच्छा, रूल के खिलाफ था, रूल के खिलाफ था वो बिल्कुल। बॉल बैठाने के बाद आके मार दिया, नहीं मार सकते आप। पिछले मैच के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे पुराने फुटबॉल खिलाड़ी की, रूल के खिलाफ था जो किया था नाइजीरिया खिलाड़ी ने। क्या लगता है कोलकाता की पुरुलिया कौन जीतेगा? कोलकाता जीतेगा। कोलकाता और गोल होगा इस मैच में? दो गोल होगा, एक गोल जब तक नहीं बताता मजा नहीं आएगा, बराबर होना चाहिए। तो देखिए आप पेनल्टी से जीत होगा। देखिए लोग बोल रहे हैं पेनल्टी से जीत होगा, लेकिन पुरुलिया जो है लगातार कोशिश कर रही है गोल मारने की, लेकिन हो नहीं रहा है यहाँ पे लगातार पुरुलिया। ये देखिए मौका मिल सकता है, यहाँ पे गोल हो सकता है। अच्छा
ये एकदम गोल पोस्ट पे ले जाके बाहर मार दिया, एकदम गोल हो जाना था यहाँ पे। अब गोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोलकाता की टीम जो है वो लगातार अच्छा खेल रही है यहाँ पे। क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा, कैसा चल रहा है मैच? कलकत्ता जीतेगा, टीम जीतेगा। ये देखिए अब हम लोग गोल पोस्ट के पास आ गए हैं यहाँ पे, अभी गोल जो से रहे हैं यहाँ पे, और लगातार जबरदस्त मैच चल रहा है, और एक गोल से अभी कोलकाता जो है वो आगे चल रही है पीली जर्सी में। और देख सकते हैं आप खुटरा में भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है, बांस में टंकी में आप देखिए किस तरह से कोलकाता का टैकल, कोलकाता का पास, कोलकाता का जो कंसेप्ट है पूरा गेम का वो लाजवाब है। पुरुलिया भी कोशिश कर रही है किसी तरह से एक गोल चढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। फिर से कोलकाता जो है गोल पोस्ट में आगे लेके बढ़ रही है, और ये कभी भी गोल हो सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे गोलकीपर सतर्क, डिफेंस सतर्क, और बॉल को रोक लिया है। तो ये देखिए अटैक जो हो रहा है, जिस साइड में हम लोग खड़े हैं इसी साइड में अटैक हो रहा है। कोलकाता की टीम पीली जर्सी पहन के इधर अटैक कर रही है, ब्लू जर्सी में जो है पुरुलिया की टीम काउंटर अटैक में चली गई है। काउंटर अटैक में आप देख सकते हैं बॉल इस डी लाइन से उस डी लाइन पे चला गया था, लेकिन फिर टैकल किया अच्छा कोलकाता की टीम ने, और फिर से एक लंबा पास खेल दिया है और काउंटर पे काउंटर अटैक यहाँ पे कर दिया है आप देख सकते हैं। लेकिन गोलकीपर सतर्क है, आगे आके यहाँ पे रोक रहे हैं, और अच्छा यहाँ पे पास दिया, फिर राइट आउट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं पुरुलिया की टीम जो है, राइट साइड से लगातार बॉल ले जा रहे हैं वहां पे, फिर कोलकाता के पास बॉल आ गया है, और यहाँ भी मौका बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा शॉट यहाँ मारा है, लेकिन गोल कभी भी हो सकता था, लेकिन नहीं हो। एक गोल के बाद जो है वो कोलकाता की टीम जो है पूरी फॉर्म में आ गई है और लगातार अच्छा खेल रही है। हेलो, एक गोल से कोलकाता की टीम आगे और लगातार अटैक कर रही है दोनों टीम एक दूसरे पे, और अभी भी फाइनल मैच में कोलकाता की टीम 1-0 से आगे बढ़त गोलकीपर किक लेते हुए, और बॉल कोलकाता की टीम के पास गया था, लेकिन ये देखिए कोलकाता की टीम फिर से लेकर बॉल आगे बढ़ा। इधर दिखाया जाए कैमरा को, हाँ थोड़ा आपको कैसा लग रहा है? हमको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? इधर गोल हुआ से कैसा लग रहा है आपको मैच यहाँ का? हाँ, ऐसा मैच हजारीबाग में बहुत कर रहा हूँ आराम से बस, और अभी मतलब 50,000 लग रहा है। आप कौन से टीम से हैं? आप कौन टीम से हैं? आप कौन से टीम से हैं? हम तो नाइजीरिया से हैं। नाइजीरिया से ने? तो ये देखिए अभी कोलकाता और जो पुरुलिया की टीम जो लगातार वो खेल रहा है। तो ये देखिए ऑडियंस का डिमांड, एक जगह खड़ा नहीं हुआ, बहुत मैच था। क्या लगता है मैच कैसा कैसा चल रहा है? मैच अभी देखिए पीला जर्सी वाला जीतने के कगार पे है, अभी जर्सी वाला जीत जाएगा। हाँ, लग रहा है। आप देखिए पुरुलिया यहाँ पे एक गोल मार सकती है, अच्छा मौका यहाँ पे मिला है। बाहर चला गया यहाँ पे गोल, कोलकाता और पुरुलिया की टीम जो है। हाँ, कोलकाता 1-0 से हार रही है, जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है, 2-0 जीत रही है, 1-0 2-0 जीतेगी, 2-0 जीतेगी। अरे होगा तब पिघल जाएगा। तो ये लगातार कोलकाता कौन अभी कौन अच्छा खेल रहा है यहाँ पे? बस पुरुलिया ठीक ही खेल रहा है, ठीक ही खेल रहा है, बस बढ़िया। लेकिन एक गोल से हार रहा है पुरुलिया? नहीं, जीत जाएगा, जीत जाएगा, जीत जाएगा। पुरुलिया का पूरा कॉन्फिडेंस है लोगों की, पुरुलिया नहीं कलकत्ता का कॉन्फिडेंस अभी है। कलकत्ता जो है लगातार अटैक कर रही है। ना अभी तो कहा नहीं जा सकता, दोनों पट उपट बढ़िया खेल रहा है, दोनों ठीक खेल रहा है, दोनों अच्छा। तो देखिए दोनों टीम जो है वो, लेकिन कोलकाता देखिए लगातार अटैक कर रही है, इसके 10 नंबर खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और ये गोल मौका, लेकिन रेफरी यहाँ पे आके गोलकीपर जो आके रोक ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा मौका था यहाँ पे गोल। तो ये पांचवा जो कोलकाता जो है ये पांचवा अटैक कर चुकी है गोल पोस्ट में, क्या लगता है अभी? अभी एक गोल पुरुलिया मारेगा, मारेगा एक मारेगा, पक्का मारेगा, कलकत्ता ही जीतेगा, कलकत्ता जीतेगा, पुरुलिया जीतेगा, कलकत्ता बोल रहे हैं नाइट राइडर्स है, लास्ट मैच होना चाहिए, कलकत्ता कलकत्ता जीतेगा, कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता।
ये पुरुलिया को मौका मिल गया है, यहाँ पे कभी भी गोल हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये अच्छा अच्छा पास दिया यहाँ पे।